नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैपिंग से संबंधित बहुत ही खास जानकारी यहां पर देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैपिंग की प्रक्रिया या स्टूडेंट प्रमोशन की प्रक्रिया जो है नए सत्र के लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने हर साल मैपिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हर स्कूल में लगभग 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत क्लास में दर्ज होते हैं, और हमें उन्हें सुधरवाने में अगर हम अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, मैपिंग कर देते हैं और जब हम उन्हें सुधरवाते हैं या अपने मोबाइल से या एम शिक्षा मित्र से या समग्र पोर्टल कहीं से भी हम इसे सुधरवाते हैं तो वो करेक्शन नहीं हो पाता है। क्लास को सुधारना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जबकि इसे आपको सुधारने के लिए नए सत्र की जो मैपिंग प्रक्रिया है उससे पहले ही आपको इसे करना होता है। अगर आप अपने स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंटों के लिए अपने स्कूल में ऐसे स्टूडेंटों की लिस्ट बना लें जिसमें आपको ये पता हो कि ये स्टूडेंट गलत क्लास में दर्ज हैं, जो चौथी में पढ़ रहा है लेकिन दर्ज तीसरी में है, तो उसे आप कैसे सुधारेंगे। यहाँ पर तो आप लॉगिन करके प्रमोट कर देंगे लेकिन फिर वो गलत क्लास में दर्ज हो जाएगा। तो आपको शुरुआत से ही एक बार नए सिरे से अच्छे से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इसे सुधार सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपना यूनिक आईडी और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है पोर्टल को। तो दोस्तों, लॉगिन करते ही आपको इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप एडमिशन मैनेजमेंट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप नए सत्र के एडमिशन या मैपिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अब यहाँ पर मैपिंग के लिए आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू एडमिशन और यहाँ पर प्रमोट स्टूडेंट। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि अभी हम स्टार्टिंग जो करते हैं प्रमोट स्टूडेंट से करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास वन के स्टूडेंट को क्लास टू में प्रमोट करेंगे, क्लास टू से क्लास थ्री, और जो इसी तरीके से जो क्लास एट्थ में है क्लास नाइन में है जो वो क्लास टेन, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट प्रमोशन यहाँ से करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है ऐसे स्टूडेंटों की जो किसी गलत क्लास में शो हो रहे हैं, जो एक्चुअली में तो आपकी क्लास में, जैसे कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल क्लास चौथी में आपके यहाँ पढ़ रहा है लेकिन वो क्लास तीन में समग्र शिक्षा पोर्टल में बताता है। जब आप उसकी लिस्ट निकालते हैं क्लास तीन बताता है, अब जैसे इस बार उसे क्लास फाइव में होना चाहिए लेकिन आप क्लास थ्री से प्रमोट करके उसको क्लास फोर में कर देंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ऐसे स्टूडेंटों को यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंटों को आपको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्रमोट कैसे करना है, और उन स्टूडेंटों को आपको छोड़ देना है जो कि गलत क्लास में दर्ज है। जो नॉर्मल जेन्युइन स्टूडेंट हैं उन्हें आपको यहाँ पर प्रमोट कर देना। तो चलिए, प्रमोट पर क्लिक करेंगे। प्रमोट करने के लिए आपको शैक्षणिक सत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद जिस भी क्लास को आप प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि हम अगर क्लास सिक्स को यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं तो क्लास सिक्स, या क्लास फाइव को प्रमोट करना चाहते हैं तो क्लास फाइव टू सिक्स हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ सेवन्थ कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको समग्र आईडी स्टूडेंट की पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। समग्र आईडी स्टूडेंट के नामों की लिस्ट है यहाँ पर पूरी, तो इसे आपको अब यहाँ पर क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर समग्र आईडी नाम और जो इम्पोर्टेंट डेटा है पूरा हाइड कर दिया है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने इसे ऐसा किया है। तो आप लोगों को सिर्फ ऐसा करना है कि जो भी स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप जैसे ही प्रमोशन का काम करते हैं तो आप इनको आप पास पर क्लिक कर देते हैं, सारे स्टूडेंट अगर पास हैं तो सभी को पास कर देंगे, जो फेल हैं उनको फेल पर क्लिक करेंगे, अगर कोई फेल नहीं तो सभी को आप ऐसा पास में क्लिक कर देते हैं। उनके परसेंटेज आप यहां पर फिलअप करते हैं, जो भी परसेंटेज होते हैं स्टूडेंटों को वो आप यहां पर फिलअप करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट गलत दर्ज है, जैसे ये स्टूडेंट है और ये क्लास फाइव में नहीं है, इस बार एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर ये 12 नंबर का जो स्टूडेंट है इसे यहाँ पर देखेंगे, तो अब आप इसे पास पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, ना ही फेल पर क्लिक करें, मतलब इसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है और बाकी सारे स्टूडेंटों को कर देना। अगर इसके अलावा और कोई भी स्टूडेंट है तो उसके साथ भी आपको ऐसा ही करना है। जब आप प्रमोट करेंगे तो बाकी सारे स्टूडेंटों का डिटेल आपको फिल कर देना है और नीचे जा कर के सबमिट कर देना है, सिर्फ उन स्टूडेंटों को छोड़ देना है जो इस क्लास में नहीं है। हम जैसे क्लास फाइव का डेटा अपडेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट क्लास फाइव,
तो हम इसकी मैपिंग को यहाँ पर जो प्रमोट कर रहे हैं उसे हम छोड़ देंगे, बाकी सबका डेटा यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे और नीचे जा कर के सबमिट कर देंगे। अब सिंपली आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि कैसे किया जाता है, मैं सिर्फ एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ गलत स्टूडेंट को आपको यहाँ पर सुधार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली जब आप मैपिंग कर देते हैं, प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, उसके बाद इसे कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाता है। हायर अथॉरिटी के थ्रू ही आपको इसे कराना पड़ता है और वो कराने में आपको बहुत मुश्किल जाती है, इसलिए स्टार्टिंग में ही सावधान रहें और अच्छे से मैपिंग करें। तो दोस्तों फिर से हम होम पेज पर आ चुके हैं, क्लास प्रमोट करके हमने सारे स्टूडेंटों की क्लास प्रमोशन कर दिया, सिर्फ उनको छोड़ दिया था और जिनको मुझे सुधारना है। तो चलिए उनको आप कैसे अब यहाँ पर सुधारेंगे, मैपिंग तो उनकी भी करना ज़रूरी है, स्कूल में तो वो भी आपके पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें सही क्लास में दर्ज करना है। तो सिंपली आपको जिनको आपने छोड़ दिया था यहाँ पर क्लास प्रमोशन के लिए, उनकी मैपिंग आपको यहाँ पर 1.1 न्यू स्टूडेंट फॉर्मेट 1B के थ्रू करनी है। तो आप समझ गए होंगे क्लियरली, जिनको आपने छोड़ा था उनकी मैपिंग आपको या क्लास प्रमोशन उनका आपको न्यू एडमिशन वाले ऑप्शन से करनी, ताकि आप उसे सही क्लास में दर्ज कर सकें। लेकिन अगर आप उसे प्रमोट कर देते हैं तो वो ऑलरेडी अपनी नेक्स्ट क्लास में शो होने लगेगा और आप उसे सुधार नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल की फीचर्स इसका ये है दोस्तों कि जिनको आपने छोड़ा है उसे न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B फॉर्म भर के आप उसे प्रमोट करें। तो चलिए देख लेते हैं। अब सिंपली जैसे न्यू स्टूडेंट की एंट्री की जाती है, नया सत्र सिलेक्ट करेंगे, उसकी समग्र आईडी नंबर डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिलअप करने के बाद सो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सो स्टूडेंट करेंगे उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी और आपको नए सिरे से उसकी मैपिंग कर देनी है। यहाँ पर आपको दाखिला नंबर भी पूछेगा, तो उसका दाखिला नंबर आपको रखना होगा, वही दाखिला नंबर डालें जो आपका ऑलरेडी फीड उसमें पहले से था। तो दोस्तों ये थी जानकारी किस तरीके से आप गलत स्टूडेंट जो गलत क्लास में दर्ज हैं, ऐसे स्टूडेंट उनको आप कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए वीडियो के साथ, अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।